जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब्जियों ने लोगों के जीभ का जायके का स्वाद बिगाड़ दिया है। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि इस जीभ के स्वाद को वो कैसे बचा कर रख रहे हैं, कैसे वो इन सब्जियों का स्वाद ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कैसे वो अपने इस त्यौहार को मनाएंगे, क्या वो अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही। हफ्ते में कितने दिन सब्जी बनती है आपके घर में? कबाऊ बन गए तो बन गए, नहीं तो नून रोटी सही ढूंढ लाई, भाटा आटा या काट लाई, भूंज लाओ, घोल लाओ, एक लुटिया पानी डाल लाई, खा लो, पेट तो आ भरा का। अब का कर गए 80 रुपया किलो प्याज भी टिको खा पाई, कोला खा पाई, बाजार गए अकाश ले खोले, नहीं तो भागे से मकाश तो महारानी आवा डर पौआ भाई आलू दे दे आए तो को, जब पौआ भर आलू नहीं देता 10 का पाती ले तो देते हैं नहीं आए जाओ जाओ पाती नहीं आ 10 रुपये का पाती नहीं देती का कर 50 रुपये पौआ ला तू नहीं तो खाई को न खा पाई जैसे बिट्टी पापा यहाँ पर नून घोल लाओ पानी में अब खा लेते बोझ मान के बात। अब का बताओ किस तरह का स्वाद बिगड़ रहा है? क्या आपके घर में हर रोज सब्जी बनती है? सब्जी नहीं बनती है, सूखी रोटी खाते हैं नमक में। इतनी महंगाई है, 500 की सब्जी लाते हैं तो 2 हफ्ते नहीं पूजती है। एक जन करैया है, क्या करें। हर रोज क्या कैसे चलता है आपका? कभी सब्जी तो कभी दाल, कभी कढ़ी अड़ी बन जाती है। तो आपके पहले सब्जी में क्या क्या आपके घर में आता था और अब क्या आता है? पहले सब कुछ आ जाता था, मटर लटर और जो खाने का मन चलता था वही आ जाता था। अब जो मन चलता वो भी नहीं आता है, इतनी महंगाई हो गई है। प्याज चल रही है 50 रुपये किलो, आलू चल रहा है 40 रुपये किलो, और करेला चल रहा है 40 रुपये किलो, बैंगन चल रहा है 30 रुपये किलो, सेम चल रही है 60 रुपये किलो, मूली चल रही है 10 की 4, टमाटर चल रहा है 40 रुपये 35 रुपये। तो ये सब्जी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? अब यहाँ के लोग पैदा ही नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते तो महंगी तो हो ही जाएगी। सब सब्जियाँ बाहर से आती हैं, बाहर तो महंगी तो हो रही होना। कि पहले क्या रेट चल रही थी सब्जी? पहले थोड़ी बहुत महंगी थी, जैसे अपने आगे सब्जी निकलनी रही तो मंदी हो जाएगी। सारी सब्जी ले पाती जो आप सोच के जाती हैं तो फिर क्या करती हैं, कैसे क्या करती हैं? जो ना एक दो सब्जी ले लाए 100 रुपये 200 में 150 में क्या होता है, लेके चले आते हैं। पहले आपके उसमें कभी आपने सुना इतनी महंगी सब्जी हुई है? कभी नहीं सुना इतनी, हमने अपने मतलब जिंदगी हमारी निकल गई है, हमने इतनी महंगी सब्जी कभी नहीं सुनी है। और ना भाई क्या अब जी के मतलब बड़े आदमी हैं तो वो तो कमा के खा लेनी है, और जे को गरीब आदमी है तो बताओ क्या करी, वही तो अनाज ही भर मुश्किल पर नब कैसे तो नबक मुश्किल पर होगा, हमें कैसे मिला थे तो बताओ, हो तो फिर कैसे दशा हुए गरीब की, मन तो हो तो सब कुछ खाए तो कैसे मिले। सरकार कह रही थी कि अच्छे दिन लाएंगे, का सरकार का दिल अब यही तो दिल ले आवा थे कहे गंदे भूकन प्यासन सब्जी भाजी सुने में हदक में जे को कमजोर दिल को हब तो मर जा था भर भर आके, यही तो सरकार अच्छे दिन तो आ ले आओ सरकार। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।